साइनेप्स क्या होता है वो समझने के लिए आपको सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि एक न्यूरॉन किस तरह का दिखता है। न्यूरॉन इज़ द बेसिक सेल ऑफ द नर्वस सिस्टम। जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसका बेसिक सेल जो कि उसका समझ लिया, कोई भी घर बनाने के लिए हमारे पास ब्रिक्स होती हैं, तो उसी तरह से हमारा नर्वस सिस्टम बनाने के लिए हमारे पास एक जो ब्रिक होती है उसको हम कहते हैं न्यूरॉन। अब जो हमारा न्यूरॉन होता है उसके पास कुछ इस तरह का दिखता है। और उसके पास एक होती है सेल बॉडी। सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस होता है, और ये जो सेल बॉडी होती है इसके आसपास रूट लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम डेंड्राइट कहते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास एक्सॉन आता है। एक्सॉन के ऊपर ये जो माइलिन शीथ है वो कभी कभार होती है, कभी कभार नहीं भी होती। फिर उसके बाद एट द एंड हमें मिलता है एक्सॉन टर्मिनल। सेल को जो कि टिश्यू को काम करना होता है तो उसके सारे सेल्स एक साथ मिल के फिर काम करते हैं, तो उसके लिए इन दोनों को साथ मिलना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल एक न्यूरॉन के साथ दूसरा न्यूरॉन अटैच होगा ताकि वो दोनों साथ में काम कर सकें। तो जो अटैचमेंट है दो न्यूरॉन्स की, या फिर जो पॉइंट जिस पे दो न्यूरॉन आपस में कनेक्शन बनाते हैं, उस कनेक्शन को हम कहते हैं साइनैप्स। अब ये साइनेप्स कुछ इस तरह का दिखता है कि एक जो के है न्यूरॉन सेल का जो डेंड्राइट है या फिर एक्सॉन है वो जाके दूसरे न्यूरॉन से मिलता है। अब हम पढ़ते हैं कि जो हमारा एक साइनेप्स है उसका स्ट्रक्चर किस तरह का दिखता है। जो साइनेप्स है उसके अंदर का जो स्ट्रक्चर है उसके पास क्या क्या चीजें होंगी। ये जो साइनेप्स जब भी बनता है तो वो एक फिजिकल कनेक्शन लाजमी नहीं है कि हो। फॉर एग्जांपल डिफरेंट हमारे स्क्वामस टिश्यूज के अंदर होता है कि दो टिश्यूज साथ में मिले हुए होते हैं। स्किन के अंदर भी दो टिश्यूज बिल्कुल साथ में ज्वाइंट है, उनके बीच में स्पेस नहीं है। स्पेस है अगर आप माइक्रोस्कोपिकली देखें तो बिल्कुल माइनर सा है, तो वो हमें ऑब्जर्व नहीं किया जाता। हम उनको साथ ही जब डायग्राम बनाते हैं माइक्रोस्कोपिक तो उसके अंदर साथ ही मर्ज किए हुए होते हैं। जो इंटरनली एक डिफरेंस है थोड़ा सा वो मतलब निग्लेक्टेबल है। तो यहाँ पे जो न्यूरॉन है हमारे पास इसके अंदर स्पेस होता है, उस स्पेस को हम कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। और फिर इसके बाद जो कि हमारे पास एक पोर्शन जो पहले वाला हमारा न्यूरॉन होता है उसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम कहते हैं प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। और जो हमारे पास नेक्स्ट न्यूरॉन होता है जिससे उसका कनेक्शन बना हुआ होता है, जिसकी तरफ उसने सिग्नल पास करने होते हैं, उसको हम कहते हैं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन और पोस्ट साइनेप्टिक एंडिंग। और अब क्या होता है कि जो हमारा प्री साइनेप्टिक क्लेफ्ट है, सॉरी प्री साइनेप्टिक क्लेफ्ट नहीं, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, वो न्यूरो ट्रांसमीटर्स रिलीज करता है। और पोस्ट साइनेप्टिक के पास और पोस्ट साइनेप्टिक जो हमारी मेम्ब्रेन है उसके पास क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं जो कि उस न्यूरो ट्रांसमीटर को डिटेक्ट करके और उस हिसाब से इम्पल्स जनरेट करते हैं। और जो उन दोनों के बीच में स्पेस है उसको हम कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि जो येलो कलर का जो हैमर की तरह का स्ट्रक्चर है वो हमारे पास प्री साइनेप्टिक क्लेफ्ट है। प्री साइनेप्टिक क्लेफ्ट नहीं, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है। फिर उसके बाद जो बीच में वाइट स्पेस आ रहा है जिसके अंदर डॉट्स भी हैं जो कि हमारे न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं, और जो पूरा स्पेस है ये इसको हम कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। फिर उसके बाद जो हमारे पास आगे ये येलो कलर का वॉल की तरह का दूसरा न्यूरॉन आ रहा है इसको हम कह देते हैं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन या पोस्ट साइनेप्टिक एंडिंग, और हैमर वाले पोर्शन को हम प्री साइनेप्टिक एंडिंग भी कहते हैं। अब बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ साइनेप्स। तो साइनेप्स जो कि एनाटॉमिकली इट इज डिवाइडेड इंटू थ्री क्लासेस। कौन सी क्लासेस हैं एनेटमिकली? साइनेप्स जिन जिन न्यूरॉन के पार्ट्स के साथ ज्वाइन बनाता है, फॉर एग्जाम्पल जंक्शन बनाता है कह सकते हैं, तो उन उन पार्ट्स के नेमिंग के हिसाब से जो कि हमारे पास तीन डिविजन्स आती हैं। अगर एक एग्जॉन दूसरे एग्जॉन के साथ कनेक्ट होता है तो उसको हम कहते हैं एक्सो एक्सोनिक साइनेप्स, और अगर एक एग्जॉन दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से जो कि है कनेक्शन बनाता है, जंक्शन बनाता है, तो हम कहते हैं एक्सो डेंड्राइटिक साइनेप्स। और अगर एक एग्जॉन दूसरे की सेल बॉडी या सोमा बॉडी से जो कि है
जंक्शन बनाता है तो हम उसको कहते हैं एक्सोसोमेटिक साइनेप्स। ये तो हो गए हमारे एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन। अब हम बात करते हैं फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फंक्शनल क्लासिफिकेशन। कुछ साइनेप्स ऐसे होते हैं जो कि केमिकल्स रिलीज करते हैं, जो हमने पहले पिक्चर पढ़ी उसके अंदर वो केमिकल रिलीजिंग साइनेप्स बना हुआ था, जिसके अंदर हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर्स यूज होते हैं, केमिकल्स यूज होते हैं, ताकि इम्पल्स को जो कि है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे ट्रांसफर किया जा सके। जबकि सेकंड टाइप जो कि हमारे पास है फिजियोलॉजिकली, इट इज इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। वो ऐसा साइनेप्स है जिसके अंदर हमारे पास आयन की चेंजिंग होती है, जैसे कि सोडियम आ गया, सोडियम के थ्रू जो कि है सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन जहां जहां बढ़ी है वहां वहां इम्पल्स जनरेट हो रही है। और इलेक्ट्रिकल साइनेप्स की अगर एग्जाम्पल दी जाए तो वो हमारे पास कार्डियक मसल्स के अंदर पाई जाती है, जहां पे हमारे पास जो कि इंटरकलेटेड डिस्क होती हैं, जिनके थ्रू जैसे ही एक जब सेल या फिर एक फाइबर ऑफ दैट कार्डियक मसल जब वो हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, तो सारे जो कि उसके फाइबर्स हैं एक साथ एक्टिवेट हो जाते हैं। और इस एक्टिवेशन को हम देखते हैं तो वो इसी वजह से देखते हैं क्योंकि वहां पे हमारे पास इलेक्ट्रिकल साइनेप्स प्रोड्यूस हुए हैं, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स बने हुए हैं। जबकि केमिकल साइनेप्स हमारे पास मसल्स में पाया जाता है, जिसके अंदर हम न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करते हैं। कौन से मसल्स? स्केलेटल मसल्स में पाया जाता है, जिसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं और मसल जो क्या है कॉन्ट्रैक्ट करता है। अब हम बात करेंगे कि ये जो हमारे साइनेप्स होते हैं इनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, इनकी क्या खसूसियात हैं, ये किस किस तरीके से काम करते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास आती है बेल-मैकेंडी लॉ। बेल-मैकेंडी ने एक लॉ दिया है जिसमें वो कहता है कि भाई जो हमारा न्यूरॉन है वो खाली वन वे, जो साइनेप्स है वन वे डायरेक्शन के अंदर इम्पल्स कंडक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल अगर उसने हेड से नेक तक जो कि है सिग्नल्स इम्पल्सेस लेके जानी है तो वो हेड से नेक तक ही लेके आएगा और अप से डाउन ही आएगा, डाउन से अप नहीं जाएगा। तो ये इसकी स्पेसिफिकेशन है कि अप से डाउन ही आएगा, जो उसका वन वे है, जो उसका वे डिसाइडेड है उसी तरफ जो कहे इम्पल्स जनरेट करता है। साइनेप्स के दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि साइनेप्स के अंदर एक साइनेप्टिक डिले होता है, मतलब माइक्रोसेकंड्स का जो कि है डिले होता है, माइक्रोसेकंड्स जो कि है हमें वेट करना पड़ता है इम्पल्स का ट्रांसफर होने में, किसके अंदर? साइनेप्स के अंदर। और ये किस वजह से होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि जैसे कि आपको पता है साइनेप्स जो कि है उसके अंदर हमारे पास प्री मेम्ब्रेन और पोस्ट मेम्ब्रेन के दरमियान साइनेप्टिक क्लेफ्ट होता है, जो कि एक स्पेस है। और हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो कि रिसेप्टर्स को क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। तो न्यूरोट्रांसमीटर पहले रिलीज होगा, उसका भी थोड़ा सा टाइम लगता है, फिर साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर जो एक्टिविटी करता है और पोस्ट साइनेप्टिक के जो के मेम्ब्रेन के रिसेप्टर्स हैं उनको एक्टिवेट करता है। तो उस दौरान जो माइक्रोसेकंड्स का डिले होता है उसको हम कहते हैं साइनेप्टिक डिले। दिस इज एन अदर प्रॉपर्टी ऑफ द साइनेप्स। साइनेप्स की एक और प्रॉपर्टी ये है कि साइनेप्स फटीक हो जाता है। फटीक का मतलब है थक जाता है, टायर्ड हो जाता है। कंटिन्यूसली साइनेप्स थ्रू आउट द डे काम कर करके स्टिमुलस दे दे के इम्पल्सिस जनरेट कर करके एट द एंड जो कि है वो क्या करता है, थक जाता है। और थकने की वजह से हमारे पास जो कि है हम कहते हैं हमारा स्लीप साइकिल जो जनरेट होता है, हमें जो कि नींद क्यों करनी पड़ती है उसका रीज़न यही है कि हमारे साइनेप्स जब थक जाते हैं तब हम लोग थोड़ा सा स्लीपी फील करते हैं, तब हम लोग चाहते हैं कि हम लोग अपने आर्म्स को और लेग्स को रेस्ट दें। और अक्सर हमें ऐसा होता है कि हमें नींद नहीं आ रही होती है बट स्टिल वी लाइक टू लाई ऑन आवर बेड एंड जस्ट रिलैक्स विदाउट स्लीपिंग। तो वो क्यों होता है? इसीलिए होता है क्योंकि जब आपके साइनेप्स फटीक हो जाते हैं तो फिर वो आपको चाहते हैं कि आप अपने जो कि मसल्स को रिलैक्स करके ढीला छोड़ दें, अनकॉन्शियसली उसको रखें थोड़ी देर के लिए, ताकि साइनेप्स जो कि है रिचार्ज हो जाए और नेक्स्ट डे वो फिर अपनी जो कि है रेगुलर एक्टिविटी परफॉर्म कर सके। अब हम बात करते हैं समेशन की। समेशन का क्या मतलब है कि जो हमारे न्यूरॉन्स हैं वो किस तरह से इम्पल्स जनरेट कर रहे हैं। जो तो न्यूरॉन ने साइनेप्स किया है, अब न्यूरॉन लाजमी सी बात है एक के साथ एक न्यूरॉन तो नहीं होगा,
मल्टीपल न्यूरॉन्स हमारे पास होते हैं और मल्टीपल वैरायटी से जो के है ये लोग अपना पेयर बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो तरह के समेशन होते हैं, एक होता है स्पेशल। स्पेशल में हमारे पास क्या होता है कि जो कि हमारे पास प्री साइनेप्टिक होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। तो जब भी एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को स्टिमुलस देना चाह रहा होता है तो जो पहला वाला होता है ना, जो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है, तो स्पेशल में क्या होता है, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन बहुत सारी होती हैं। प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन बहुत सारी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1, 2, 3 प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है। और फिर इसके आगे जो के पोस्ट न्यूरॉन है जो के उसके साथ कनेक्शन बना रहा है, बीच में साइनेप्स बना हुआ है। अब ये तीनों न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेंगे और इस एक न्यूरॉन को हाईली इम्पल्स जनरेट करने पे मजबूर करेंगे। फिर इसके बाद दूसरा हमारे पास कौन से टाइप का समेशन है, दूसरा है टेम्पोरल समेशन, जिसको हम बोलते हैं सिंगल न्यूरॉन कनेक्शन। सिंगल न्यूरॉन कनेक्शन में हमारे पास क्या होता है कि एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को एक्टिवेट करता है बार बार न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कर करके। उसके अंदर क्या हो रहा था, तीन न्यूरॉन इतने सारे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कर रहे थे कि आगे वाले को हाईली एक्टिवेट कर सकें। और इसके टेम्पोरल समेशन में क्या हो रहा है, जो प्री एक न्यूरॉन है दूसरा एक न्यूरॉन को बार बार स्टिमुलस दे के हाईली एक्टिवेट करता है। तो ये होता है हमारे पास समेशन की प्रॉपर्टी है जो कि साइनेप्स के अंदर पाई जाती है। यहाँ पे हमारा साइनेप्स का लेक्चर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिसेप्टर्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।